चार दिवसीय फोर हैक्स फेयर 2024 की जयपुर के बिड़ला ऑडिटोरियम में शुरुआत हो गई है। जयपुर की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और लोगों में हस्तशिल्प की विरासत के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस हैंडीक्राफ्ट फेयर का आयोजन किया जा रहा है। यह फेयर का 10वां संस्करण है, जिसे डेवलपमेंट कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, EPCH, PMS योजना के माध्यम से MSME और IEML ई नेचर की ओर से स्पॉन्सर्ड है। यह बहुप्रतीक्षित चार दिवसीय फेयर 12 अगस्त तक आयोजित किया जा रहा है। फोर हैक्स फेयर का उद्घाटन चीफ गेस्ट रोहित गुप्ता, कमिश्नर इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, गेस्ट ऑफ ऑनर दिल्ली बैच चेयरमैन आदि लोगों ने किया। इस अवसर पर फोर हैक्स फेयर के प्रेसिडेंट जसवंत मील ने कहा कि इस वर्ष ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपोजिशन मार्ट लिमिटेड की CMSR परियोजना ई नेचर के कारीगर भी फोर हैक्स मेले में भाग ले रहे हैं और राजस्थान के उत्साही ग्राहकों को अपने उत्पाद बेचने के लिए पेश कर रहे हैं। ई नेचर एक सामाजिक परियोजना है जो उत्पाद डिजाइन, रुझान, गुणवत्ता, मूल्य निर्धारण, पैकेजिंग, सोशल मीडिया और निर्यात अभिविन्यास पर कौशल विकास कार्यक्रम के साथ भारत के विभिन्न समूहों में कारीगरों के जीवन को प्रभावित कर रही है। फेयर में इस वर्ष जयपुर के अलावा बरेली, भुज, होशियारपुर, इम्फाल, लखनऊ, रांची, वाराणसी, देहरादून, हैदराबाद, कोलकाता, फिरोजाबाद, रेवाड़ी, बिहार आदि से 30 से अधिक हस्तशिल्प कारीगर अपने शिल्प का प्रदर्शन कर रहे हैं। 150 से अधिक प्रतिभागियों के साथ फोर एक्स फेयर का फोकस इनोवेटिव आर्ट, यूनिट आर्ट पीसेज जैसे कि पेपर लैम्प, इंटीग्रेटेड आर्ट, एक्सक्लूसिव फर्नीचर, टेक्सटाइल, वॉल डेकोर, गिफ्टिंग, लैम्प एंड लाइटिंग, एक्सक्लूसिव घड़ियां आदि। वर्ष 100 से अधिक प्रोडक्ट डिस्प्ले किए जा रहे हैं और फेयर का मुख्य उद्देश्य बिना किसी लाभ के प्रोडक्ट्स का प्रचार और कला को बढ़ावा देना है। एक्चुअली जो हैंडीक्राफ्ट है, हैंडीक्राफ्ट की जो मीनिंग सब लोग भूल रहे हैं, हैंडीक्राफ्ट मीन्स हाथ से बनी हुई चीज। इसमें कम से कम 50% ज्यादा तो हाथ का काम हो। हमारा इसमें पर्पज है मोर देन 90% हाथ का वर्क हो। हर काम हमने हाथ से किया हुआ है, एक एक चीज में मशीनरी मतलब यूज ना के बराबर की है। तो वो चीजें लानी है कि हाथ से बनी हुई प्रोडक्ट्स लेके। आप जैसे देख रहे हैं शंख के लैंप देख रहे हैं, नेचुरल शंख है, नेचुरल। इसमें भी हमने कुछ कटिंग नहीं किया, सिर्फ उसको शेप देके पूरा लाइट और ये फिगर्स लगा के लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। इसी चीज निकाल कर ग्लास के ऊपर देखें, ये जो पेंटिंग की हुई ग्लास पे, ये हाथ से पेंट किया हुआ पूरा, कोई मशीन से इस तरह से नहीं किया। तो उसके फीलिंग रौनक ही अलग आ रही है इस चीज से, इस तरह से वर्क कर रहे हैं हम लोग। और अब जैसे देखिए ये कृष्णा है, कृष्णा ये वॉशर है, छोटे छोटे वॉशर को अपन लोग ने वेल्ड करके और फिर उसको पीट के गर्म करके शेप दिया उसको, ना तो इस तरह से। अब ये बॉक्सेस भी हमारे ये बेम्बू स्टिक्स के हैं, इसकी बुनाई हुई है, बुनकरों से बुनाई करा के फिर इसके कटिंग करके शेप दे के बॉक्स बनाए। ये भी पूरा टोटल हाथ से हायर। तो देखिए जो पहला पीस होता है सैंपल, वो तो मैंने बनाया, फिर उसका एक फॉर्मूला सेट हो गया, भाई ये चीज होती है, फिर हम उसकी मल्टीपल करने के लिए हमको अलग अलग काम देके लोगों को उसमें रोजगार में जोड़ा हुआ है। तो सब लोग इसमें साथ में, उसके बाद फिर काम। पहले एक सैंपल बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितनी R&D करनी पड़ती है, कौन सा कलर किसके साथ सेट होता है, कोई रिएक्शन करता है, वो सारी चीज इसमें हम देख के इसमें निकाल। हाँ, ये प्लांटर्स आप देख रहे हैं, हाँ प्लांटर्स नेचुरल है, लोग कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल है। नारियल को यूज किया है, कोकोनट है, कोकोनट में भी आप देखिए इसमें मैंने ना वो हार्ड वाला नहीं लिया, जो पानी वाला ग्रीन आता है ना, उसकी जटा निकालना बहुत मुश्किल है, उसको यूज किया, उसका कलर अलग आता है उसमें शेप, और वो बहुत अच्छा उसमें प्लांट जो लगता है कि वो टूटता नहीं, जो हार्ड हो जाता है वो जल्दी खराब हो जाता है, ये जल्दी खराब नहीं होता। ये वैसे तो मैं हैंडीक्राफ्ट में करीब 8-8 साल से हूँ और ये अभी हमने करीब 1.5 साल में इसके ऊपर R&D करके पहला ही यहाँ पे हमने डिस्प्ले किया है, इसके खूब वर्क करके। मैं फेयर था, इसके हम मेंबर हैं फॉरेक्स के, तो मैंने कहा यहाँ लोगों को पब्लिसिटी, सबको पता चलेगा हाँ भाई ये प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके लिए यहाँ लेके आए, सैंपल्स ही लेके आए, तो लोगों ने सैंपल्स भी नहीं छोड़ रहे हैं ऑर्डर से। हाँ हाँ MSME की गवर्नमेंट से किसी प्रकार का कोई आपको सहयोग? अभी तो उन्होंने फॉर्मेलिटी की है, अभी हमने फॉर्म भर दिया है, बोले फॉरेक्स इसके फेयर के बाद फिर जो फॉर्मेलिटी होगी, फर्स्ट टाइम MSME के रजिस्टर्ड हो रहे हैं इसको।